गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम वेक्टर का जो परिणामी आता है उसको हम कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। कल हमने लास्ट वाली क्लास में हमने ये देखा कि अगर आपके पास दो वेक्टर दिए गए हों तो सदिशों का योग, सदिशों का योग और सदिशों का घटाना, दो हमने देखा था का घटाना। तो यहाँ पे ये चीज जो है आपको दोनों हमने पढ़ लिया था। हमने दो वेक्टर, अगर r एक वेक्टर a प्लस एक वेक्टर b था, दोनों को जोड़ते थे तो वेक्टर r आता था। अब मान लीजिए कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालना है, तो ये यहाँ पे s मान लेते हैं, कुछ अलग मान लेते हैं, यहाँ पे s। और एक अगर आपको b में से a निकालना है तो b माइनस ए कर लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं। तो इस तरीके का हमने निकाल के देख लिया था, ग्राफ में बना लिया था कि कितना आता है। मैं यहाँ पे एक चीज जो आप पढ़ चुके हो इसको एक बार और स्पष्ट कर दो, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने कहा था कि एक वेक्टर अगर ऐसे आपने बनाया है तो इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए को बता रहा है, तो इसकी जो लंबाई होगी तीर की वो किससे लिखी जाएगी, मॉड ए से, मॉड वेक्टर ए से या फिर ए से, कोई आप चाहो ए लिखिए चाहो मॉड लिखिए, दोनों लिखिए, दोनों में से कोई लिखेंगे। तो ये क्या बताता है, तीर की लंबाई, तीर की लंबाई, और तीर की लंबाई या तीर की लंबाई हम यहाँ पे देखें, या इसी को कहेंगे सदिश आर, आर नहीं, सदिश ए, सदिश ए का परिमाण, ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण। परिमाण का मतलब ये होता है कि उसकी लंबाई कितनी है, उसमें दिशा नहीं ली जाएगी, दिशा चाहो जिधर बनी हो उससे नहीं मतलब है, जैसे आप दिशा इधर बना दी उससे नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये क्या बताता है, उसका परिमाण बताता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो वो होगा वो क्या बताएगा, उसका परिमाण बताएगा। तो अब ये तो आपको पता है परिमाण क्या है और दिशा क्या है और सदिश क्या है, ये आपको पता है। हमने ये भी देखा कि इस चीज को देखिए कि अगर हमने ये कहा था कि जो सदिश होता है, सदिश अगर है तो सदिश को लिखने के लिए आपको परिमाण चाहिए, परिमाण, परिमाण आपको क्या चाहिए, परिमाण चाहिए और क्या चाहिए, दिशा चाहिए। परिमाण चाहिए और दिशा चाहिए, दो चीजें आपको चाहिए। तो परिमाण का मतलब उसकी लंबाई कितनी है, वो कितना बता रहा है, ये आपको पता चल जाए। दिशा अगर पता चल जाए तो उसको हम सदिश को लिख सकते हैं। और अदिश में आपको क्या चाहिए, अदिश में सिर्फ परिमाण चाहिए, दिशा से उससे कोई मतलब नहीं। ये बात आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें अब कोई डाउट ना हो, सदिश अदिश परिमाण ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, दिशा क्या होती है, दिशा किस दिशा में बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि जो दो वेक्टर हम जोड़ते थे उसमें, उसको हम यहाँ पे इसको क्लीन करके आप बना लेते हैं, और सब अपना नोट्स बनाते चलिएगा कॉपी में। देखिए मैं यहाँ पे वेक्टर को जोड़ने का जो आपने देखा वो कैसे जोड़ते हैं उस चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए मान लेते हैं एक वेक्टर v1 है, वेग v1 है जो 40 मीटर पर सेकंड पूर्व में है, और एक v2 है जो कि 30 मीटर पर सेकंड उत्तर में है।
दोनों को जोड़ना है, वी निकालना है, वी बराबर वी वन प्लस वी टू आपको निकालना है। तो एक की दिशा बना लीजिए पूर्व में, पूर्व में हमने बना लिया, ये कितना है, इसकी लंबाई कितना होगी 40 मीटर प्रति सेकंड, इसकी लंबाई कितनी होगी 40 मीटर प्रति सेकंड। उत्तर में कितना जाना है आपको 30, तो आप 30 जो है इससे छोटा ही बनेगा, थोड़ा सा छोटा रहेगा, इसको छोटा बना लेते हैं, ये कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड। दोनों वेक्टर को जोड़ना है, तो हमने कहा था हेड को टेल से जोड़ते हैं, मतलब शीर्ष को पुच्छ से जोड़ते हैं, तो इसको लाइए इसके हेड पे रख दीजिए, तो ये दिशा वैसे ही रहेगी, हमने यहाँ से यहाँ इसको ला के रख दिया, ये 30 मीटर पर सेकंड है और इधर कितना है 40 मीटर पर सेकंड है। अब दोनों का जो परिणामी होगा वो ये होगा, ये बन गया, ये क्या हो गया परिणामी वी। अब परिणामी वी ये तो कैसा है, ये क्या है सदिश है, मतलब इसमें इसमें क्या है, इसमें जो है आपका क्या है परिमाण भी है, परिमाण और क्या है दिशा, दोनों है, परिमाण भी है और दिशा भी है, दोनों है। अगर हमको सिर्फ परिमाण चाहिए, परिमाण निकालना है, मतलब अगर यहाँ पे त्रिभुज बना ले ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो ओ बी जो है ये क्या है, इसका परिमाण क्या होगा, परिमाण को हम मान से लिखेंगे या फिर इसी को हम वी से लिखेंगे, तो वी का मान कितना आएगा ये बात आपको निकालना है। अब आपका ये आपके दिमाग में ये अगर आए कि वी बराबर वी वन प्लस वी टू है, तो आपने यहाँ से चले आप वी वन कितना है 40, वी टू कितना है 30, तो ये वाला कितना आ जाएगा 40 30 70, 40 और 30 70 जोड़ दें, 40 प्लस 30 70, तो ये आपका गलत है, ये सही नहीं है। ये कब जोड़ा जाता है, जब अदिश होता है, ये कब जोड़ा जाएगा जब अदिश रहेगा, लेकिन सदिशों में ऐसा नहीं जोड़ा जाता है। सदिशों में जोड़ने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है उसको हम देखेंगे, और उसको जोड़ते कैसे हैं इस बात को देखेंगे। तो ये यहाँ पे एकदम कन्फर्म हो जाइए कि 40 प्लस 30 बराबर 70 वी का मान होगा ये नहीं, वी का मान क्या होगा वो हम निकालेंगे। तो आपको दो वेक्टरों का जोड़ का जो परिणामी आता है, परिणामी का मतलब इसकी लंबाई कितनी है ये आपको निकालना है। तो अगर आपके पास स्केल है, अगर फिट्टी है, तो आप उससे नाप सकते हो। पहले इधर आपने कितना बना दिया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इधर कितना बना दिया 3 सेंटीमीटर, और इसको क्या किया आपने सेंटीमीटर, फिर वही स्केल से नाप लिया, मान लेते हैं ये आता है 7 सेंटीमीटर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना है 7 सेंटीमीटर। लेकिन आप हर जगह तो कर नहीं पाओगे कि नाप के ऐसे लिखोगे, तो हर जगह नाप नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मैथ से सॉल्व करेंगे कि इसको निकालने के लिए हम करते क्या है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे वेग अगर आप निकाल रहे हैं तो वेग का मात्रक लिखा जाएगा, अगर आप जो है बल निकाल रहे हो तो बल का मात्रक लिखा जाएगा, अगर आप संवेग निकाल रहे हो तो संवेग का मात्रक लिखा जाएगा, अगर आप जो है आवेग निकाल रहे हो तो आवेग का मात्रक लिखा जाएगा, अगर आप विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक लिखा जाएगा। तो जो आप निकालोगे उसी का मात्रक रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप दूरी निकाल रहे हो तो दूरी का मात्रक रहेगा, मात्रक आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो मात्रक सभी का याद रखना है और वही मात्रक वहां पे लिखना है, ठीक है। तो अब हम दो वेक्टरों के सदिश को कैसे जोड़ते हैं और उसका परिणामी हम कैसे निकालेंगे कि इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी उसको हम देखते हैं। और उसके लिए आपको एक चीज़ जानना जरूरी है, अब हम उसको हेडिंग में डाल के पढ़ते हैं, इतना आपको पहले से पता था, अब हम आगे आते हैं कि दो सदिशों के बीच में कोण, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है। दो सदिशों के
बीच का कोण, ये आप कैसे निकालोगे? मान लेते हैं कि आपके पास एक सदिश ऐसे दिया हुआ है ए, ठीक है, और एक सदिश जो है, चलिए इधर दिया हुआ है बी, एक सदिश बी। तो दोनों के बीच में कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का टेल से टेल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? टेल से टेल, टेल से टेल जोड़ेंगे, टेल से टेल जोड़ेंगे, मतलब पूंछ से जोड़ेंगे। दिशा वही होनी चाहिए, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिस दिशा में तीर बने हैं वो दिशा वही होनी चाहिए। दिशा को समान रखते हुए, समान रखते हुए, दिशा को समान रखते हुए दिशा वही होनी चाहिए। दूसरा, जो छोटा वाला कोण होगा वही आपका क्या होगा, सदिशों के बीच में कोण होगा। छोटा वाला कोण सदिशों के बीच में कोण होगा, जो छोटा वाला है। अब देखिए, कोण तो आपको पता है कि, मान लेते हैं कि एक हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं कोण को, अगर आपने वो नहीं लिया हो तो ये सब कोण और बनाना सीख जाइए। जैसे आप मान लेते हैं यहाँ पे 30 है, 30 डिग्री है, तो एक कोण ये भी हो सकता है, एक तो ये 30 है, दूसरा कौन सा होगा, एक ये हो सकता है ये वाला। तो एक आप बिंदु पे कितने कोण बनते हैं, ये कितने का कोण बनता है, ये बनता है 360 का। तो एक आपने 30 ले लिया, बाकी जो बचा वो कितना है, 360 माइनस 30 बराबर बचेगा कितना, 330। तो ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला कितना है, 330, और ये अंदर वाला कितना है, 30। तो जो छोटा वाला कोण होगा वही लिया जाएगा, बाहर वाला नहीं लिया जाएगा। तो हमेशा दो रेखाओं के बीच में दो कोण बनते हैं, जैसे एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक कोण तो ये हो गया, दूसरा वाला कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ये वाला अगर आप मान लेते हैं थीटा है, तो बाहर वाला कोण टोटल कितना होता है, 360, तो ये बाहर वाला कितना होगा, 360 में से थीटा निकाल देंगे, जो बचा होगा बाहर वाला होगा। तो हमेशा दो लाइनों के बीच में दो कोण होते हैं, कोई भी दो लाइनें रहेंगी उनके बीच में दो कोण होते हैं, लेकिन हमको लेना कौन सा है, छोटा वाला कोण लेना है। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर हो जाइए कि दो कोण बनते हैं कि नहीं बनते हैं, क्योंकि एक समतल में 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ये हो गया हमारा, देखिए ये हो गया, अगर हम यक्स यहाँ पे बनाए, ये वाई, तो ये कितना है, 90, और इधर भी 90, ये वाला इधर भी 90 और इधर भी 90। तो अब यहाँ से चालू करिए, 90 यहाँ तक, 90 फिर यहाँ तक, 180 यहाँ तक, 270 फिर यहाँ से यहाँ तक, 360। तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 रहेगा, 180 यहाँ पे, 270, सबको जोड़ते जोड़ते। अब अच्छा, हमने ये भी बताया था आपको कि किधर घूमना है आपको, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में हम चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में। ये सब जितना आपको पढ़ाया गया आज तक, वो सब हमेशा बीच बीच में पढ़ते रहिए, वो जिससे आप भूले नहीं, नहीं तो उसको भूल जाएंगे तो फिर आगे पढ़ने में दिक्कत होगी। और ये भी आप मान के चलिए, कोई भी चीज़ एक बार पढ़ने पे याद नहीं रहेगी हमेशा के लिए, आपको कहीं ना कहीं कम से कम 5 से 7 बार 8 बार उसको पढ़ना होगा। इतना पढ़िए उसको, इतना बार उसको देखिए कि आपको वो लगने लगे कि हाँ, इतना कामन हो गया हमारे लिए, जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को नहीं भूलते हो वैसे उसको भी नहीं भूलोगे। तो जब तक उसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो तब तक आपको जो है, एक बार पढ़ेंगे दोबारा वो भूल ही जाएगा, आज नहीं कल तो उसको दिमाग से हट ही जाना है कि किधर से क्या हमको बनाना था। तो यहाँ पे देखिए कि कोण
कोण, दो कोण बनेंगे कंफर्म है, और जो छोटा वाला कोण होगा वही हमको लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सदिशों के बीच में कैसे कोण निकालेंगे हम, तो देखते हैं। ये अब हमने क्या यहाँ पे बनाया है कि टेल से टेल को जोड़ेंगे और दिशा को वही रखेंगे, और जो छोटा वाला कोण होगा वही सदिशों के बीच में कोण होगा। तो देखिए, इसका टेल तो ये है, इसका टेल क्या है, ये है। इन दोनों टेल को जोड़ दीजिए, दिशा वही होनी चाहिए। ए को हमने ऐसे ही बनाया, ए हो गया, ये हो गया ए। और बी को उठाया और लाया यहाँ पे, इसके टेल पे जोड़ दिया। देखिए दिशा वही रखा हमने, दिशा जो है वही रखा, ये हमने यहाँ पे दिशा को वही रखा। तो इसके इसके बीच में एक कोण ये बन रहा है, ये क्या है, थीटा। और एक कोण बाहर वाला बन रहा है, ये वाला। तो अगर ये थीटा है तो ये कौन सा होगा, 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो कोण छोटा है वही कोण आपको लेके चलना है। तो यहाँ पर सदिश सदिश ए तथा बी के बीच में कोण, तथा बीच में कोण, ए तथा बी के बीच में कोण थीटा है, ए तथा बी के बीच में कोण थीटा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, छोटा वाला कोण आपको लेके चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास दो वेक्टर, एक चलिए एक हमने इधर मान लिया, एक हमने जो है इधर मान लिया, ये ए है, ए बी है, बी। तो अब इनको हमने कहा था टेल से टेल को जोड़ना है, कोण निकालते समय टेल को टेल से जोड़ना है, और परिणामी निकालते समय टेल को हेड से जोड़ना है। दोनों में अंतर है, दोनों को अच्छे से समझिए। तो हमने एक को ऐसे बना ही लिया है, अब एक को ही उठा के लाइए यहाँ पे जोड़ दें, एक को उठा के लाएंगे यहाँ जोड़ देते हैं टेल से टेल को, तो ये बन गया, ये बन गया, ये हो गया हमारा ए। तो इसके इसके बीच में जो कोण है, अगर ये थीटा है, और इधर वाला कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो इनके इनके बीच में जो कोण है वो कितना है, कोण दो सदिशों के बीच में वो कितना है, थीटा, छोटा वाला कोण लिया जाएगा। तो हमें लगता है आपको कोण निकालना आ गया होगा, कि दो सदिश कहीं भी दिए रहे तो आप निकाल सकते हो कोण कितना होगा, कौन सा लिया जाएगा, ये भी आपको पता चल गया। अब आते हैं हम परिणामी पे, कि जब दोनों को हम जोड़ते थे तो उसको हम, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसका पूरा। तो जब हम उसको जोड़ते हैं, एक आपके पास ये एक वेक्टर हमने ये मान लिया ए, और एक वेक्टर को हमने ऐसे बना लिया बी। अब दोनों को जोड़ना है, चलिए दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए, आपको जोड़ने के लिए एक का हेड दूसरे के टेल से, इसको उठाइए यहाँ पे, इसके टेल पे हेड पे रख दीजिए। तो ए वाला तो ऐसे ही, और इसको लाएंगे यहाँ पे रख देंगे, तो दिशा वही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये वाला यहाँ कर दिया। अब जो परिणामी होगा वो कैसे होगा, ये आ गया, ये हो गया परिणामी आर। आर बराबर ए प्लस बी, आर बराबर ए प्लस बी, ये परिणामी हो गया। तो ये जो परिणामी आर है ये कितना होगा, ये आपको निकालना है। ए और बी आपको दिया जाएगा, अब आर को आपको निकालना है कि आर का मान कितना होगा, आर का मान कितना होगा, आर का परिणाम कितना होगा, परिणामी कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड परिमाण कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो ये सिंपल जो हमने बताया था कि अगर ये 20 है और ये 30 है, तो आप इसको कह देंगे कि 20 प्लस 30 50 हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होता है, अब उसी को हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दो सदिशों का परिणामी यहाँ पे हेडिंग में है, दो सदिशों का परिणामी, दो सदिशों का परिणामी माना आपके पास, माना दो सदिश ए तथा बी है, ए तथा बी है,
बी जिनका परिणामी आ रहा है, जिनका परिणामी आ रहा है। अर्थात क्या हुआ कि आर बराबर आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी, आर बराबर ए प्लस बी लिखोगे, परिणामी आर है तो आर बराबर ए प्लस बी। तो तीर आप दिशा आपको दी गई होगी, दिशा यहाँ पे दी गई होगी, माना माना ए तथा बी के बीच का कोण कोण थीटा है, ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। एक एक जो है सदिश आपको ये दिया है, इसको मैं तीर से बनाता हूँ तो सही हो गया। एक ये आपको दिया है, दूसरा जो है एक हमारे पास ये बी दिया हुआ है, ये क्या है ए, ये ए है और ये क्या है बी है। दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे वो देखिए, इसका हेड इसके टेल से जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं, ए ए बना लिया और बी को लाएंगे इस पे जोड़ेंगे, बी को यहाँ पे ला के हमने बी को हमने यहाँ पे लाके जोड़ दिया बी। अब इसका परिणामी क्या होगा, परिणामी यहाँ से यहाँ इसको हम मिलाएंगे तो ये आपका क्या होगा, परिणामी आर। आर बराबर कितना होगा, ए प्लस बी। आर को आपको निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, आर परिणामी आर का मान निकालना है, मान ज्ञात करना है। ये ध्यान रखिएगा कि सदिश आर और परिणामी आर दोनों अलग अलग हैं, मतलब आर और आर सदिश आर ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें परिमाण भी है दिशा भी है, इसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, इसमें क्या है परिमाण और इसमें क्या है परिमाण प्लस दिशा दोनों। तो हमको आर निकालना है, मतलब परिमाण निकालना है, दिशा भी निकालेंगे परिमाण भी निकालेंगे। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को, इस वाले ग्राफ को हम या फिगर को हम नेक्स्ट वाले पेज में बनाते हैं और इसको निकालते हैं कि कैसे ये निकाला जाए, ठीक है देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ये सदिश जो ए था, ए बन गया सदिश ए, सदिश ए सदिश बी ये बन गया और सदिश बी यहाँ पे, और इसको इसको मिलाने वाला जो था वो क्या था, परिणामी था, परिणामी आर। आर बराबर क्या है, ए प्लस बी, ये है हमारे पास तीर है, ये सब तीर एरो, ए प्लस बी। और हमने देखा उसमें ये कहा था, अब आर को आपको निकालना है, अब आप क्या करिए, ये जो ए था इसको जो है आगे आप बढ़ा दीजिए, जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं लाके ऐसे जोड़ देते हैं, डाट डाट करते हैं, सदिश को आगे बढ़ा दिया। तो ये बताइए, ये जो ए है
को यहाँ पे अगर हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से बताएं कि ये जो ए और बी के बीच में जो कोण है, ये तीर है, तो ए और बी के बीच में कोण ये वाला लिया जाएगा या ये वाला होगा। मतलब ए और बी के बीच में पहले कोण देख लीजिए कौन सा होगा। एक तो ए, एक तो जो है क्या है आपका बी, ये है दो कोण। अब बताइए जो कोण निकाला जाता है दो सदिशों के बीच में, ये वाला है या फिर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, ये वाला है। इसमें कम या ज्यादा वाला नहीं बात हो रही, इसमें दोनों के बीच में पहले कोण कौन सा होगा। तो हमने ये कहा था कोण निकालते समय टेल को टेल से मिलाते हैं, टेल को टेल से। तो अगर हम ये वाला ले जाते हैं, यहाँ पे मिलाते हैं और इसको यहाँ पे मिलाते हैं, तो ये वाला देखिए कि ये वाला टेल से टेल नहीं मिला है, हेड किससे मिला है, टेल से मिला है। लेकिन यही चीज जो है, अब आगे अगर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दें, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें ऐसे, एक तो ऐसे था, अभी हेड से टेल जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कोण तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसको थोड़ा सा और डाट डाट करके आगे बढ़ा दें, ऐसे कर दें, तो ये बताइए इसका जो है, इसका टेल इसके टेल से जुड़ा हुआ है, तो अब जो कोण होगा ये वाला होगा। हमने कहा था टेल से टेल के बीच में रहेगा, तो ये वाला कोण जो है क्या है, थीटा। देखिए ना, हमने माना है थीटा, माना ए तथा बी के बीच कोण कितना है, थीटा। तो अब हम ये जो कोण है वो थीटा, यहाँ पे अच्छे समझिए कि ये वाला कोण हम नहीं लेंगे, ये वाला, क्योंकि इसमें हेड से टेल से हेड जुड़ा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा आगे डाट डाट करके बढ़ा दें, तो ये जो कोण आएगा वही कोण क्या होगा, थीटा। मतलब ए और बी के बीच में कोण होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हमने क्या किया, यहाँ से लंबवत ऐसे 90 डिग्री का यहाँ पे एक रेखा ड्रा कर दी, 90 डिग्री। तो ये वाला कोण हमने मान लिया कितना है, 90, ठीक है, ये डॉट डॉट है, डॉट डॉट। इसके कोण को हमने कितना मान लिया, लंबवत, एक लंबवत हमने रेखा खींचा। तो यहाँ से अगर हम ये करें कि यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, या फिर ए बी सी हमने लिखा है, तो कुछ और संख्या मान लेते हैं, ए बी सी लिख दिया है, ए और बी वेक्टर लिया है, नहीं तो आप कहेंगे कि पॉइंट है कि और कुछ है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सी, यहाँ पे हम डी, यहाँ पे हम मान लेते हैं ई, ये। तो यहाँ पे हमने एक जो है डी और ई क्या है, डी और ई क्या है, एक लंब रेखा है, लंब रेखा है जो सी डी, या इसे लिखते हैं, एक सी डी पर लंब रेखा है, लंब रेखा है, लंब रेखा है सी डी पर, लंब रेखा है। तो ये 90 डिग्री, ये वाला कोण थीटा। अब बताइए यहाँ से सी और ई, सी और ई की जो दूरी होगी वो किसकी बराबर होगी, सी और ई, सी और ई किसके बराबर होगा, सी और ई जो है मॉड ऑफ बी के बराबर होगा या फिर बी के बराबर होगा। हमने कहा था जो तीर की लंबाई होती है वो सदिश के परिमाण से व्यक्त की जाती है। तो सी से ई कितना है हमारा, बी के बराबर होगा, और ओ से सी बताइए कितना होगा, ओ से सी हमारा सदिश ए के बराबर होगा, परिमाण ए के बराबर होगा, ठीक है। हमने कहा था तीर की लंबाई उसके तीर का जो परिमाण होता है उसकी लंबाई को व्यक्त करता है। तो लंबाई यहाँ पे हमने लिख दिया, ओ सी कितना है, इतना है, यह सब है। अब देखिए, हमने ये आपको पढ़ाया था कि 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है, सामने वाली जो भुजा होती है, इस त्रिभुज को ले लेते हैं सी ई डी, त्रिभुज को यहाँ पे देखिए कि आपको पास समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज
त्रिभुज कौन कौन सा है? एक में 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज होता है, एक कोण अगर किसी त्रिभुज का 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ई डी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ई डी सी। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप समकोण बोल रहे हो तो जो समकोण वाला कोण होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए, ये लिखने का तरीका है। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी डी ई समकोण वाला जो कोण है, ये डी वाला कितना कोण है, 90 डिग्री, इसलिए इसको हम बीच में लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है कोण का। तो ये आप भी ऐसे ही लिखोगे, जो कोण आप बात करोगे उस कोण को बीच में रखोगे। फिलहाल ये मैथ की चीज़ है, मैथ में इसको आगे हम कभी मिलेगा तो और डिटेल में बता देंगे, लेकिन लिखने का तरीका यही है त्रिभुज। अब इसको हम अलग से अगर हम बनाएं तो ये आपका कितना है, ये प्लस हमने यहाँ पे ये बना लिया, ये 90 था, ये कितना है सी है, ये कितना है ई है, और ये कितना है डी है, ये कितना है थीटा है, ये कितना थीटा। तो सी ई का मान जो है बी के बराबर है, ये आपको पता है, क्योंकि बी जो है उसका उसकी लंबाई को बताता है। और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो गया, ये आपका क्या है कर्ण, और इधर वाला आपका क्या है, ये वाला एक कोण लिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और बचा जो क्या हो जाएगा आधार। तो आपको अभी क्या क्या निकालना है इसी के आगे हम करते हैं। आपको निकालना, देखिए आपको लंब भी नहीं पता है, आधार भी नहीं पता है, तो आपको कर्ण सिर्फ पता है, कर्ण आपको पता है। तो अब लंब और आधार निकालते हैं, हम निकालते हैं। अब देखिए साइन थीटा अगर हम ले, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, ये क्या हो गया लंब बटे कर्ण। तो यहां से ये देखिए कि लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है हमारा डी और ई, कर्ण कितना है हमारा बी, कर्ण का मान कितना है बी, या फिर हम ये कहें उसकी पहले वो रख देते हैं, फिर कर्ण कितना है सी ई, और सी ई की लंबाई कितना है, सी ई की जो लंबाई है वो कितना है बी है। तो यहाँ से हम जो है इसको हल करते हैं, बी का गुणा, या फिर इसको अलग से लिखते हैं इस तरफ यहाँ पे, तो साइन थीटा बराबर आपका आ गया कितना, डी ई बराबर डी ई बटे बी। तो अगर आपको डी ई निकालना है, डी ई की लंबाई कितनी होगी, तो इसका यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बी साइन थीटा, डी ई मिल गया आपको। अब ऐसे सी डी आपको निकालना है, तो कास थीटा लगाइए, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे जो है कर्ण, आधार कितना है हमारा, आधार है हमारा यहाँ पे सी डी, बटे कर्ण कितना है हमारा सी ई, तो सी डी आपको निकालना है, सी ई कितना है बी के बराबर है, तो यहाँ से सी डी अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो कहने का मतलब आपको सी डी मिल गया बी कॉस थीटा, और डी ई भी मिल गया बी साइन थीटा, दोनों मिल गए। अब मैं इसको आप नोट कर लेंगे इसी चीज़ को, मैं अब आप जैसे हम लिख रहे हैं सीरियल वाइज वैसे ही आपको भी लिखना है। मैं अब इसको क्लीन करता हूँ, इसी में बनाता हूँ आगे, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो फिर बताइएगा। तो इस चीज़ को यहाँ से हम इसको हटाते हैं, ये हो गया आपका। तो ये अब देखिए ओ से सी तक लंबाई कितनी है, ए के बराबर है, ओ से सी तक लंबाई ए के बराबर है। सी से डी तक कितना हमने निकाला, सी डी जो है हमने निकाला बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा।
थीटा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, बी कॉस थीटा। और डी और ई कितना हमने निकाला, डी ई हमने निकाला बी साइन थीटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितना है, बी साइन थीटा। तो अब बताइए यहाँ से ओ डी, ओ डी बराबर कितना होगा, ओ से डी, ओ से डी लंबाई कितनी हो जाएगी, ओ से डी हो जाएगी ओ सी प्लस सी डी, यही होगी ना, ओ सी को जोड़ दीजिए प्लस सी डी को जोड़ दीजिए। तो ओ सी जो है हमारा कितने के बराबर है, ए के, और सी डी हमारा कितने के बराबर है, बी कॉस थीटा के। ये हो गया हमारा आगे ओ डी। आगे आगे जो है ये डी और ई, डी और ई, डी और ई जो है हमारा किसके बराबर है, साइन थीटा, बी साइन थीटा, ये आपको पता चल गया। अब इस चीज को देखिए यहाँ से कि ये आर है, ये आपका जो है आर है, ये आपका कितना आ गया टोटल, ए प्लस बी कॉस थीटा ओ से डी। ये हमने इसी त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज, इसी को हमने यहाँ पे बड़े में बना लिया, ये ऐसे हो गया। इधर आपका तीर नहीं है, डाट डाट है, डाट डाट है तो आप पूरा तीर बना के देख लीजिए, या फिर डाट डाट ही करिए। ये इधर आपका कितना है, बी साइन थीटा। अच्छा इसकी जो लंबाई होगी ओ से ई, ओ से ई की लंबाई कितनी होगी, आर के बराबर होगी, या फिर हम कहें माड ऑफ आर के बराबर होगी, हमने बताया ना आर के बराबर। और ये जो है ये लंबाई नहीं है, मार, ये जो आर है ये लंबाई है, इसमें क्या है, इसमें लंबाई भी है प्लस दिशा भी है, तो ये आर है। और ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री, उसी त्रिभुज को यहाँ पे हमने बनाया, तो ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। तो अब आपको पता है कि ये 90 है तो इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। अब कोई भी कोण ले लिए, चाहो ये वाला कोण चाहो जो कोण, तो एक लंब होता है एक आधार होता है, कोई भी रहेगा। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से कि पाइथागोरस थ्योरम से कि कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ये बन गया। तो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण बताइए आर के बराबर है, तो आर घाते दो हो गया। आधार हमारा कितना है, आधार कोई भी मान लीजिए, चाहो इसको मान लीजिए चाहो इसको मान लीजिए, वो डिपेंड करता है कि आप कोण कौन सा ले रहे हो, तो कोई भी एक मान लीजिए जो आपको मन में आए वो आएगा, वही सब कुछ रहता है, कोई भी एक मान लीजिए। तो ये अगर मान ले, चलो इसको मान लेते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आधार स्क्वायर। अब दूसरा बचा है वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो, लंब हो जाएगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब इसी को हल करते हैं, तो ये हो गया आर स्क्वायर। ये देखिए जैसे आप फार्मूला पढ़ते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी घाते दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वही फार्मूला लगाइए इसमें, क्योंकि एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा, बी स्क्वायर प्लस टू गुड़े ए गुड़े बी, बी की जगह कितना है, बी कॉस थीटा, ये प्लस यहाँ पे जो बचा है ये बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा और अगर आप खोल देंगे तो ये ए स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे टू ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे जो है ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसको सब नोट कर लेंगे, ऊपर मैं क्लीन कर दे रहा हूँ इसको, फिर से यहाँ पे ये, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे ये बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, दोनों एक जगह ले लेते हैं,
बी स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये बन गया, प्लस जो बचा है उसको 2 AB cos थीटा ये आ गया। हमने क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, क्लास 9th और 10th में, अगर जिनका मैथ नहीं है वो ये याद रख लें, आगे ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले आएंगे तो मैं इसको पढ़ा दूंगा वहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 2 AB cos थीटा हो गया। और यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 AB cos थीटा, ये हमारा बन के आया फार्मूला। या आर बराबर जब लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB cos थीटा, ये आपको याद रखना है। दो सदिशों का परिणामी आपने कैसे निकाला है, अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें हो क्या रहा है, पहले इतना आपको समझना है, इसको याद रखना है। अब एक चीज जो और बाकी है उसको मैं इसी में निकाल लूं, और इसके बाद जो है फिर इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि क्या है ये। यहाँ पे इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, यहाँ से इसको नोट कर लेंगे सब, वीडियो रोक के आप नोट कर लेंगे इसको। अब आता है यहाँ पे कि जो थीटा है वो कितना है, यहाँ से हम टेन थीटा निकालेंगे, यहाँ से देखिए कि यहाँ से अगर हम टेन थीटा ले, टेन थीटा बराबर आप क्या पढ़ते हो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब कितना है बी साइन थीटा, और आधार कितना है, आधार कितना है आपका, अच्छा एक यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो रहा है, इसको मैं दूसरे फिगर में बना लूं, चलिए यहाँ पे देखिए इसको मैं दूसरे फिगर में बनाता हूँ फिर आपको ये समझाता हूँ, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको क्लीन करके फिर से बड़ा इसको दूसरे तरीके से क्लियर बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा ये। तो यहाँ से एक हमारे पास वेक्टर ए था, वेक्टर ए, एक वेक्टर हमारे पास यहाँ पे बी था, वेक्टर बी, इसको हमने आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया था डॉट डॉट करके ये बना लिया, इससे एक जो है हमने यहाँ पे लंब डाल दिया, ये 90 डिग्री का कोण था, और दो वेक्टर इस वेक्टर को आगे बढ़ा देंगे तो ये जो कोण होगा यही दोनों वेक्टर के बीच में कोण होगा। इसका जो है परिणामी हमने यहाँ पे बनाया था, परिणामी वेक्टर आर है, और इसका जो परिमाण होगा वो कितना होगा, मॉड ऑफ आर, आर के बराबर होगा, ये हो गया। आपने इसको निकाला, ये आया था आपका, ये आया था आपका बी कॉस थीटा, ये वाला आया था आपका बी कॉस थीटा, इधर वाला आया था आपका जो है बी साइन थीटा, ये। अब आपको थीटा वो निकालना है, थीटा नहीं कोई और कोण मानेंगे या फिर एल्फा मानेंगे, कि ये जो परिणामी है, परिणामी परिणामी सदिश आर का सदिश ए से कोण कितना होगा, इसको देखिए, सदिश ए हमारा ये है और परिणामी क्या है ये है, तो बताइए यही वाला कोण तो होगा क्योंकि दोनों का टेल टेल जुड़ा हुआ है, तो दो दोनों के बीच में जो कोण होगा वो यही होगा, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको आप क्या मानोगे, अल्फा। तो परिणाम देखिए किसके किसके बीच में है, परिणामी के बीच में और ए के बीच में, तो परिणामी और ए के बीच में तो यही होगा ना, दोनों का टेल टेल जुड़ा हुआ है तो यही होगा, बड़ा वाला एक ये होता है, ये वाला लिया नहीं जाएगा, सिर्फ छोटा वाला लिया जाएगा। तो अब देखिए
एल्फा निकालिए, एल्फा कितना होगा। यहाँ से फार्मूला लिखिए, टैन एल्फा बराबर आपने पढ़ा है कि लंब बटे आधार होता है, आधार। तो ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, ये त्रिभुज बड़ा वाला, ये पूरा ये त्रिभुज लीजिए, क्योंकि यही समकोण है। साइन थीटा कॉस थीटा किस में लगता है, समकोण में लिखता है। तो ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। ये आपने कोण, अगर आपने एल्फा लिया तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। लंब हमारा कितना है, बी साइन थीटा। और आधार कितना है, आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, ए। और टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दो फार्मूले बन के आते हैं, इन दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना है। हो सकता है इसमें आपको अभी पूरी चीज़ें समझ में नहीं आई हो कि क्या हो, मैं उसको एक करके अब अलग अलग से बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, सदिश R और सदिश A के बीच का कोण है। तो यहाँ पे समझिए, इस फार्मूले में जब आपने A से कोण निकाला है, यहाँ पे आइए, जब A से कोण निकाला है तो A प्लस, यहाँ पे B था यहाँ पे B था, जब आपने A से कोण निकाला है तो A लिखा है। अब कोई आपसे पूछ दे कि सदिश B से कोण कितना होगा, अब आपसे कोई पूछ दे सदिश B से कोण, सदिश B से कोण कितना होगा, तो आपने जब A से निकाला था तो यहाँ पे A था और ऊपर ऊपर B था, लेकिन जब आप B से निकालोगे तो यहाँ B हो जाएगा और ऊपर ऊपर A हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा था तो आप मान लेते हैं यहाँ पे बीटा मान लेते हैं, टैन बीटा। तो अब ऊपर अगर आप B से निकालोगे तो यहाँ पे A हो जाएगा, A साइन थीटा अपान B प्लस A कॉस थीटा। बस सिंपल सा यही दो दो फार्मूले हैं जो आपको समझने हैं। एक अगर आप A से निकालते हो तो A प्लस लिखोगे, और परिणामी का ये ध्यान रखिएगा, परिणामी का, परिणामी का A से, तो A से निकालोगे तो A प्लस करके लिखोगे नीचे, ऊपर जो है B भी रहेगा, और अगर आप B से निकालोगे तो B लिखोगे, ऊपर ऊपर A A रहेगा। अब आते हैं हम कंक्लूजन में कि इतना सब कुछ आपने फिगर में देख लिया, कैसे निकाला ये सब समझ लिया, सदिश B से R का कोण, सदिश R का कोण मतलब परिणामी का कोण तो ये होगा, और सदिश A से, सदिश R का A से कोण ये होगा। अब आते हैं हम कंक्लूजन पे, इसको अच्छे से समझते हैं कि आपने पढ़ा क्या अभी तक। हमने ये पढ़ा दो सदिशों का परिणामी, सदिशों का परिणामी, परिणामी दो सदिश आपके पास A दिए गए हैं और आपको B दिया जाएगा, A और B दिया जाएगा, जिसमें मॉड ऑफ A आपको पता होगा, मतलब उसकी लंबाई पता होगी या उसका मान पता होगा, ऐसे समझिए, मॉड ऑफ बी, भी पता होगा या बी पता होगा, दोनों पता होंगे। दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर, जोड़ने पर फिगर उगर, अब ध्यान में दीजिए फिगर उगर भूल जाइए, अब आपको सिर्फ मान निकालना था ना, जोड़ के जब दिखाना था तो हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, आपने जोड़ के दिखा दिया कैसे कैसे जोड़ता है। अब लेकिन उसकी लंबाई कितनी होती है इस बात को आपको देखना है। दोनों को जोड़ने पर परिणामी, परिणामी का परिमाण, परिणामी का परिमाण, परिणामी जो आया था उसका परिमाण कितना आया है, R बराबर, R बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा ये आया है। और परिणामी का सदिश ए से कोण, सदिश ए से कोण, ए से जो कोण है वो टैन अल्फा, टैन अल्फा बराबर ए से पूछ रहा है, तो आप नीचे ए प्लस जो बचे बी कॉस थीटा, ऊपर जो है बी साइन थीटा, ये आपने देखा। और परिणामी का, परिणामी का सदिश बी से कोण, सदिश बी से कोण, ये टैन बीटा अगर मान लें, बीटा
ये बीटा होता है, देखिए बीटा में ऐसे बड़ी सी पाई फिर ऐसे बना लीजिए, तो ये बीटा होता है। तो बीटा ये अगर आप बी से निकाल रहे हैं तो नीचे बी प्लस जो बचा ए कॉस थीटा और ऊपर जो है ए साइन थीटा, ये आ गया, ये हमने पढ़ा है। तो परिणामी जब हमको निकाल परिणामी का परिमाण निकाल परिणाम निकालना रहेगा तो ये आएगा, कोण निकालना रहेगा तो ये आएगा। जब ए से कोण पूछे तो ये लगाइए, जब बी से कोण पूछे तो ये लगाइए, ठीक है। अब ये ए क्या है बी क्या है, सदिश का परिणाम परिमाण है, परिमाण मतलब उसकी लंबाई, उसकी वैल्यू, उसका मान कितना है वो है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसे अगर आपको मान लेते हैं दो है, वी वन बराबर कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड है और वी टू बराबर जो है वो वी टू बराबर चलिए यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है, और दोनों के बीच का जो कोण है, कोण इसमें दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, कोण दिया रहेगा, कोण आपको दिया रहेगा। तो परिणामी परिणामी का परिमाण बताएं, परिमाण बताएं बताएं तथा V1 से बनने वाला कोण निकाले, कोण बताएं, ये आप समझिए। तो परिणामी निकालने के लिए आपने देखा था कि R इस R बराबर क्या होता है, या R बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, अगर ए और बी दिया होता था। यहाँ पे वी वन और वी टू दिया है तो वी वन और वी टू लगा देंगे, वी वन और वी टू का परिणामी आप क्या लिखते हो, वी लिखते हो, तो वी बराबर ए की जगह कितना दिया है V1 V1 स्क्वायर, बी की जगह कितना दिया है V2 स्क्वायर प्लस 2V1V2 cos थीटा, ये हो गया। तो V1 का मान कितना दिया है, V1 का मान देखिए जब वेक्टर में नहीं है, वेक्टर नहीं ना, या सदिश नहीं है, परिमाण है, सिर्फ परिमाण है, तो V1 का मान कितना है 10 स्क्वायर प्लस V2 का मान कितना है 20 स्क्वायर प्लस 2 गुणे V1 कितना है 10, V2 कितना है 20, और कास कास 30 कितना दिया हुआ है, ये कास 30 अंश, ये हो गया हमारा वी वी। अब इसको आप हल कर लेंगे, 10 दामा 100, 20 दिशा में 400, ये 20 दामा 200, 200 दुनी 400। अब सारणी आपको मैंने दिखाया था, कुछ दिन पहले मैंने सारणी आपको पढ़ाया था कि कास 30 अंश का मान कितना होता है, तो वो आप जाके पढ़ लीजिए, सबको याद कर लीजिए, कास 90 मतलब टोटल 90 तक याद कर लीजिए, 0 30 45 60 90 इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसको काट दीजिए, 2 दुनी 400 मतलब ये 200 हो गया, तो 400 यहाँ पे 500, तो V बराबर आ गया 500 प्लस यहाँ पे 200 अंडर रूट 3। अब हल करना हो तो अंडर रूट 3 का मान निकालिए, इसमें रख के गुणा करके फिर वर्गमूल निकालिए, अदरवाइज इतना छोड़ दीजिए, इतना ही बहुत है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि V1 से कोण, V1 से जब कोण पूछेगा तो कुछ भी लिखिए, टैन एल्फा अगर आपको एल्फा लिखना है तो एल्फा, बीटा बीटा, गामा गामा, जो आपको मन करे कोण में लिख सकते हो एल्फा। तो V1 से निकालना है तो इसका मतलब V1 प्लस नीचे रहेगा, बाकी जो बचेगा वो ऊपर रहेगा, तो V2 और V2 साइन थीटा यहाँ पे रहेगा, एकदम क्लियर हो गया। V2 का मान कितना है 20, साइन साइन जो है 30, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30, V1 कितना है 10 और यहाँ पे V2 कितना है 20 cos 30, तो साइन 30 अंश का मान cos 30 अंश का मान रख के इसको हल कर लीजिए, यही आपका कोण हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कि V2 से कोण बताइए, V2 से कोण, तो V2 से जो कोण होगा वो कितना होगा, टैन बीटा मान लेते हैं इसको, तो V2 से तो मतलब V2 प्लस रहेगा, V1 जो बचा है V1 cos थीटा, वो ऊपर कितना रहेगा V1 साइन थीटा। याद करने का ये तरीका है, ऐसे आप याद करेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे कि V1 ऊपर रहेगा कि V2 ऊपर रहेगा, क्योंकि ये हमको बहुत कंफ्यूजन था, मैं बहुत इसको लेके परेशान रहता था कि फार्मूला मैं याद करता और फिर भूल जाता कि V1 लिखूँ ऊपर कि V2 लिखूँ ऊपर।
तो ये ध्यान रखिए, जिससे आपको कोण निकालना है वो वाला नीचे रहेगा, बाकी सब प्लस में जो बचा ऊपर ऊपर रहेगा, प्लस करके फिर वही जो नीचे रहेगा वही वाला ऊपर रहेगा। ठीक है, अब परिणामी आपने निकालना सीख लिया है। तो आपको अभी क्या करना है कि यही न्यूमेरिकल आपको मैं दूंगा कि इसी में बहुत सारे बल दे दूंगा, वेग दे दूंगा, संवेग दे दूंगा, कोण दे दूंगा, उसी को आपको निकालना है। और निकाल के इसका मान पहले निकालना, निकाल के आपको रखना है। फिर मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि इसका आप जो बनाए हैं इसका क्या मतलब है, जो निकल के आया है ये आर आया है, ये जो कोण आया है ये क्या है, इसको मैं फिगर में दिखाऊंगा कि जो आपने पढ़ा है वो यही बता रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप करके बताएंगे कि पहला हमने यहाँ पे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मान लेते हैं कि आपको क्या निकालना है, परिणामी 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 का परिणाम निकालना है, परिमाण परिमाण। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है, परिमाण परिमाण मतलब उसकी वैल्यू निकालना है, परिणामी मतलब जो जोड़ने के बाद आता है उसका निकालना है, जोड़ने के बाद जो आता है मतलब रिजल्ट, ये तो रिजल्ट है और ये क्या है उसकी वैल्यू को बता रहा है कि वो जो वैल्यू है वो कितना है, वो जो वैल्यू आई है वो जो रिजल्ट है वो कितना है वो बता रहा है। परिमाण मतलब जो वैल्यू है और परिणामी मतलब रिजल्ट है, जो आपने निकाला है वो कितना है। तो परिणामी का परिणाम निकालना है, रिजल्ट निकालना है और दोनों कोण निकालने हैं, दोनों कोण आपको निकालने हैं, मतलब V1 से भी V2 से भी, अगर बल रहेगा तो F1 से भी F2 से भी, और संवेग रहेगा तो P1 से भी P2 से भी, आवेग रहेगा तो J1 से भी J2 से भी, जो भी रहेगा तो आपको करना है। मान लेते हैं कि आपके पास एक बल F दिया हुआ है 2 न्यूटन और एक F2 दिया हुआ है 3 न्यूटन और थीटा बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, दोनों के बीच का कोण है 60 डिग्री, तो परिणामी परिणामी F निकालिए, F तथा कोण दोनों सब में यही निकालना है, इतना ध्यान रखिएगा, अब नहीं लिखेंगे इसको। मान लीजिए संवेग दिया हुआ है, संवेग दिया हुआ है 10 kg/s और P2 दिया हुआ है आपका 3 kg/s और थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तब आपको P निकालना है और कोण निकालना है, मतलब tan α tan β निकालना है, दोनों सभी में यही निकालना है, ऊपर भी यही निकालना है। ठीक, और मान लेते हैं यहाँ पे V1 दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है 3 m/s और V2 जो है यहाँ पे जो है 8 m/s, तो आपको V निकालना है, tan α tan β निकालना है, ये दोनों। चौथा है आपका यहाँ पे मान लेते हैं J1 है, J1 बराबर मोमेंटम रख लेते हैं, ये हो गया बल, विद्युत क्षेत्र हम लिख देते हैं, ये भी आता है E1 आपको लिखा है, ये जो है 10 N/C और E2 जो है हमारा 12 N/C, तब आपको E निकालना है, tan α tan β निकालना है, tan α tan β। परिणामी का जो कोण होता है वो होता है tan α tan β, ये हो गया चौथा। और पांचवा जो है एक और हमने यहाँ पे दे देते हैं, बल F1 बराबर 3 न्यूटन, F2 बराबर 5 न्यूटन और थीटा बराबर 45 डिग्री, इसको आपको निकालना है, ये आप निकालना है, कोण निकालना है tan α tan β, ये भी आपको निकालना है। छठवा आपको दे दे रहा है यहाँ पे एक और, अगर यहाँ पे जो है P1 बराबर 12 kg/s और P2 बराबर 16 kg/s, तो आपको P निकालना है और थीटा बराबर जो दिया हुआ है यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री दिया हुआ है। सातवा यहाँ पे V1 बराबर जो है हमारा 12 m/s, V2 बराबर हमारा 9 m/s, तो V आपको निकालना है, tan α tan β निकालना है, tan β और थीटा जो है वो दिया हुआ है 90 डिग्री, थीटा जो है 90 डिग्री, थीटा सभी में है।
अब थीटा क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। थीटा दोनों सदिशों के बीच में का कोण है, मतलब V1 और V2 के बीच का कोण है, P1 और P2 के बीच का कोण है, F1 और F2 के बीच का कोण है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले वाले में हमने कोण नहीं दिया क्या, यहाँ पे कोण नहीं दिया है। यहाँ पे थीटा बराबर आप मान लेंगे इसमें जो है 30 डिग्री, और थीटा बराबर इसमें आप मान लेंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो इतना आप परिणामी और कोण निकाल के अभी भेजिए, फिर इसको अच्छे से समझिए, अपनी कॉपी में लिखिए कि हमने जो आपको फार्मूला डिराइव किया, जो आपको बताया, क्या आपको वो समझ में आया। नहीं आया तो मैं एक बार फिर से उसको पढ़ाऊंगा। और ये क्वेश्चन, क्योंकि पूरे फिजिक्स में जो सदिशों का योग है, जोड़ है, घटाना है, गुणा है, यही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपने अच्छे से समझा तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो और आप जो है लगातार धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आपको अच्छी जो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ये मान के चलिए कि कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है, हमेशा आपको लगना पड़ेगा। कोई भी आप सफलता चाहते हो, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, कुछ भी करोगे, तो जो कंटिन्यूस स्टेप टू स्टेप मेहनत होती है वो आपको करनी पड़ेगी। कोई सोचता है कि मैं एक रात में सब पढ़ के ख़त्म कर दूँ और मुझे आ जाए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए आप लगातार एक स्टेप टू स्टेप, एक एक सीढ़ी जो है आगे बढ़ते रहिए, अच्छे से आपको समझ में आएगा। हाँ, इसको जितना आप पढ़ते हो उसको रिवाइज करो, दो दो तीन तीन बार पढ़ो, याद करो, उसको समझो कि ये जो पढ़ा है हमने वो क्या है। मैं एक एक का मीनिंग आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि आप चीज़ों को समझिए। इसके आगे मैं नेक्स्ट वाली क्लास में इसको एक बार फिर से देखूंगा, और इसके बाद इसका जो प्रयोग है, ये आया तो क्या आया, ये आपको क्या बता रहा है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दिखाता है, जो आर आ रहा है या एफ आ रहा है, इसका क्या मतलब है, उसको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको आप लोग सब करके भेजेंगे भाई।